हर जगह टाइम पे सेक्स सेक्स या लस्टफुली ही सोच रहोगे, या फिर अगर कोई चीज़ जिसमें सेक्स है भी नहीं आप उसमें भी सेक्स देखने लग जाओगे, कुछ लस्टफुली देखने लग जाओगे कि इंसान जो कि कंप्लीटली फाइनली ड्रेस्ड है, कुछ भी उसमें गंदा नहीं है, लेकिन आप उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ निकालोगे क्योंकि आप इतना रिप्रेस करके इन चीज़ें। ऑल्ट बालाजी क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं लोग? ऑल्ट बालाजी हो गया, ऑल्ट बालाजी की तरह मेरे को पता है बहुत सारी और कंपनीज भी हैं, बहुत सारी अलग सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज, वेबसाइट्स, ये सब जिसमें दबा के कंटेंट है ऐसा। दे आर सो सक्सेसफुल। सीजन 4 गंदी बात कोई टीवी शो है उसका मैं देखता हूँ, मेरे यूट्यूब पे ऐड आता रहता है। मैंने कहा बढ़िया यार। तो कुल मिला के मेरे दिमाग ये था कि भैया क्यों इतनी पॉपुलर चीज़ है ये, क्यों इतने ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, इवन दो ये सॉफ्टकोर पॉर्न है, रियल पॉर्न के होते हुए रियल पॉर्न फ्रीली अवेलेबल है। आप सबके को ऐसा भी नहीं भैया यू नो कि बहुत टफ हो, बहुत इम्पॉसिबल, उस देश में सब कुछ बैन हो गया, कुछ आप उसको इंसान खोल नहीं पा रहा है। सबके पास हजारों सोर्सेज हैं पॉर्न एक्सेस करने के लिए, इतनी सारी ऐप्स भी, और इसकी वजह से क्यों आ गई हैं ये, इतना बड़ा एक सेक्शन क्यों हो गया है कि इस तरह का कॉन्टेंट अब सडनली बहुत ज़्यादा बूम में आ गया और क्रिएट कर रहे हैं लोग। पहली चीज़ हमें यहाँ पर एड्रेस करना पड़ेगा एकता कपूर एक मार्केटिंग कह सकते हो शायद जीनियस वर्ड भी, मुझे पता नहीं जीनियस वर्ड यूज़ करना इसमें एप्लीकेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि भाई मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हम लोग छोटे बच्चे थे, ज़रा ज़रा से थे, और तब से उसको एक हमेशा एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस के बारे में उसको उस वक्त पता था कि भैया तुम्हारे टीवी सोप ओपरा हो गया, तुम्हारी इंडियन वेमेन हो गई, तुम्हारी मिडिल एज, ये सब उसने उनको टारगेट किया। आई थिंक डेकेड्स उसने सबसे बड़े बड़े टीवी शो चलाए हैं और यू नो प्रॉब्ली करोड़ों रुपए उनसे उसने कमाए। उसके बाद उसने उसको यह हमेशा से पता था कि दूसरी यू नो एक नब्स होती पता होना कि भाई तुम्हारी ऑडियंस की क्या, उसकी वांट्स क्या हैं और अलग अलग सेक्शन क्या हैं और अलग अलग टारगेट ऑडियंस क्या है और उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो दे पाना। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत आपको समझना पड़ेगा अंडरलाइन दो फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि इतने भारी मात्रा में लोग, इवन जब पॉर्न फुली अपने उसमें अवेलेबल है तब भी लोग जाके देखना चाह रहे हैं और यू नो उसमें अपने आप को पैसा देने को तैयार हैं, दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। उसके दो रीज़न मैं कहूँगा ये हैं कि पहला चीज़ दिस इज़ रिलेटेबल पॉर्न। पहली बार इंसान को अपनी ज़िंदगी में इंडियंस को वो चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे गंदी बात जो मैंने आपकी बात कही, मेरे को अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब खोलता हूँ तो गंदी बात का एक मेरे पास ऐड आता रहता है हमेशा होम पेज पे, गंदी बात फॉर और मुझको देख के हल्का सा मुझे सीन दिखता है कि हाँ ये कहाँ केटर कर रही है। मुझे याद है बहुत जब हम छोटे थे मेंटोस का ऐड आता था, जब हम छोटे लौंडे थे तो हम देखते थे मेंटोस में एक लड़की है वही तुम्हारे इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहनी हुई है और हल्का सा क्लीवेज दिख रहा है और वो तुम्हारा यू नो हैंडपम्प चला रही है, काफ़ी सजेस्टिव है, काफ़ी सेक्सुअली सजेस्टिव है। तो आप चीज़ देखो कि इंडिया की बेस फैंटेसीज क्या होती हैं, हम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल कपड़ों में जाना चाहते हैं, साड़ी में जाना चाहते हैं, साड़ी को हम सेक्सुअलाइज करते हैं दबा के, ब्लाउज को सेक्सुअलाइज करते हैं दबा के। तुम देखो इसलिए हाई स्कूल तुम्हारी जितनी भी वो होती हैं तुम्हारी क्या कहते हैं उनको, हाई स्कूल के एंड में या क्लास ट्वेल्थ के एंड में जो भी होता है, तुम समझ गए ना, जो पार्टी वाला दिन होता है उसमें सारी लड़कियाँ अपनी बैकलेस ब्लाउज पहनती हैं, क्या कर रहे हैं हम, हमने उस चीज़ को सेक्सुअलाइज कर दिया और अब तो कूल हो गया क्योंकि मूवीज़ में भी करते हैं राइट। तुम्हारे जितने भी गाने होते हैं शादी के उसमें सब देखो एक से एक, मतलब साड़ी नहीं पहनी वो, ट्रेडिशनल कुछ नहीं पहनी वो, एक्चुअल में पहनी है विक्टोरिया सीक्रेट रनवे वाला, जितना वो कर सकती थी उस लिमिट तक ट्रेडिशनल को और विक्टोरिया सीक्रेट एलिमेंट को उन्होंने मिक्स करके साड़ी को बनाया है। बट हम केटर क्या कर रहे हैं, इसमें कोई गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्लीज़ यहाँ पे समझना, मैं मॉरालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेट्स रियली लुक एट दैट एज ऑब्जेक्टिवली एज वी कैन। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम एक ट्रेडिशनल सेंस ऑफ जो हमारी हमेशा से एक फैंटेसी रही है, क्योंकि हमें जो चीज़ हम देखते आते बड़े होते हैं हमें वही चीज़ों में फैंटेसी घुमाते हैं हमारा दिमाग, हमने उसको क्या किया सेक्सुअलाइज कर दिया, ऑलरेडी उसका बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट है क्योंकि हम बड़े हुए हैं वो चीज़ देखते हुए, हमने घर में देखा है, औरतों को देखा है, जितने भी यू नो लाइक समाज में जो लोग नॉर्मली पहनते हैं हमने वही कपड़ों को देखा, बट वो कपड़े कभी सेक्सुअलाइज नहीं थे। अब इनका सेक्सुअलाइज वर्जन हमें देखने मिल रहा है, इसलिए हमें सडनली वो दूसरे तरीके से अपील करता है क्योंकि हमें एक रिलेटेबिलिटी दिखती है और हमें वो टर्न ऑन मारती है क्योंकि हमने कभी उस तरीके से उसको नहीं देखा था जो अब हमारा को ईजिली बॉलीवुड भी बेचता है, ईजिली इंस्टाग्राम पर भी लड़कियाँ बेच रही हैं और ईजिली अब ये टीवी शोज भी बेच रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रिलेटेबल पॉर्न, ठीक है। लेकिन दूसरी अंडरलाइन इससे भी बड़ा फैक्टर जो आता है वो है रिप्रेशन। इतने ज़्यादा लोग हमारे देश में डिप्राइव्ड हैं सेक्सुअली। दूसरी चीज़ एक होता है सेक्सुअली डिप्राइव्ड होना, बट एक ऐसी सोसाइटियाँ हैं दुनिया में जिनमें सेक्स एक्चुअल में इतना टैबू टॉपिक नहीं है, लोग आराम से ओपनली बात कर पाते हैं, लोग ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं, मूवीज में सेक्सुअल सेक्स एक बहुत ही ओपन टॉपिक है, कोई इतना उसके बड़े में उसके ऊपर यू नो इतना हाइप क्रिएट नहीं करी गई है उस पर,
उसको एक नॉर्मल चीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि हाँ जो है उसकी असली औकात उसको वहीं तक रखो। लेकिन एक चीज़ समझो, रिप्रेशन का होल पॉइंट होता है जिस चीज़ के बारे में लाइफ में आप जितना मुंह बंद करोगे किसी का, जितना उससे कहोगे नहीं सोचो, जितना कहोगे आपसे इस चीज़ को आपको एक्सप्रेस नहीं करना, जितना आप दिखाओगे लोगों को कि ये गंदी चीज़ है, उतना ही हम क्या कर रहे हैं, हम सब उन चीज़ को दबा रहे हैं जो कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल अर्ज है, नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो हम जब एक नेचुरल फिनोमिनॉन को दबाते हैं अपने अंदर तो हम उसको रिप्रेस कर रहे हैं, तो वो उतना ही एक्चुअल में तुम रिप्रेस करने से उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते रहे, उसको फिनिश नहीं करते रहे, तुमने बस उसको एड्रेस नहीं किया, तो वो दबा दबा के और तुम उसको इकट्ठा किए जा रहे हो एक जगह पे। तो हमारे इंडियन सोसाइटी आई वुड से टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट रिप्रेस सोसाइटी है, बोथ मैं यहाँ पे कहूँगा मुस्लिम एंड इवन हिंदूज, दोनों के कल्चर में ही सेक्स हम इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते। हमें सिंपल हम इंडियन कल्चर की बात करें तो बचपन से हमारा वही कल्चर है ना कि हम टीवी कर रहे हैं और गलती से किसिंग सीन आ गया तो सबकी हिल जाती है। सेक्स इतना वो चीज़ है कि हम किसिंग तक भी हम ये होता है कि अरे यार, एक मूवी थी मुझे याद है क्या कहना, जब हम छोटे बच्चे थे हम सब ने देखी थी, वो सब ऑकवर्ड हो गए थे उस मूवी में क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और उस मूवी में शायद सैफ अली खान और प्रीति जिंटा थे, क्या कहना थी मूवी या कुछ भी थी जिसमें वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अनुपम खेर उस मूवी में उस टाइम पे सबके ही बाप बने फिरते थे, तो उस मूवी में भी शायद वो प्रीति जिंटा का बाप था या सैफ अली खान के बापू का, बट उस मूवी में कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन सब ऑकवर्ड हो गए क्योंकि उसमें एक प्रेगनेंसी शादी के बाहर की बात थी, और मुझे आता है हम सब देख रहे थे पूरी फैमिली बैठ के, हमारी मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, सिर्फ हम लोग शायद गर्मियों की छुट्टियों में मूवी देख रहे थे नाना नानी के घर पे, और मुझे ये सब चीज़ें याद रहती हैं क्योंकि आप कब वो ऑकवर्डनेस आप फील कर सकते हो उस मूवी में कि ओ शिट, शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये मूवी थोड़ी सी वैसी हो जाएगी, और सब वो पूरे रूम में ऑकवर्डनेस चल रही, जो आप यू नो यू कैन ऑल ब्रीद, यू कैन ऑल फील प्रॉपरली, सब फील कर सकते हैं उसको कि वो है ओके। इस मूवी को आप कोई ना बंद कर सकता क्योंकि हमने अगर बंद कर दिया तो एड्रेस कर दिया, और जो चल रही है उसको बस अब बिना बोले चलने दो टू दी एंड, ताकि फिर उस पर कोई मेंशन नहीं करेगा, मूवी खत्म हो गई, हाँ ठीक है। और मूवी एंड होने के बाद आप ये कह सकते हो हाँ बड़ा अच्छा मैसेज था, अच्छा मैसेज था, बट लेकिन जब वो चीज़ें हो रही हैं तो आप थोड़ा सा वो जाते हो ओके। सो आपको यहाँ पे ये कंसिडर करना है कि हम उस सोसाइटी से आ रहे हैं, हमारे घर में हमारे सामने अपने दोस्तों के अलावा भी हम एक्चुअल में बहुत ही रेयर होता है कि हम एक्चुअल में सेक्स इन रियल फॉर्म बात कर पाएँ। हम सेक्स की अपने दोस्तों से जब हम व्हेन ग्रोइंग अप हम जो बात करते हैं वो काफ़ी लिमिट तक एकदम ही बेवकूफ़ों वाली बातें होती हैं जो कि ट्रू है ही नहीं, दे हैव नो रिलेशनशिप विद द ट्रूथ। हमें हमारे 16 17 18 साल के लड़कों की जो थ्योरीज होती हैं सेक्स के बारे में, अगर वो सुन लो एज अ एन अडल्ट, मैं ट्रू अडल्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि बियॉन्ड 26 27 28, तुम माथा फोड़ दोगे कि भैया क्या बकवास कर रहा है बेवकूफ़ इंसान, आप यही सोचोगे कि कितनी वाहियात और उल्लू वाली बातें, आपको हंसी आएगी बेसिकली। तो एक 16 15 समथिंग साल का इंसान बेवकूफ़ वाली बातें सुनता है सेक्स के बारे में, जो थ्योरीज हम सुनते हैं कि वर्जिन क्या होता है, वर्जिनिटी क्या होती है, लड़की वर्जिन कौन सी है, बूस के साइज क्या, उसका मीनिंग क्या होता है, हमें तुम्हें पता है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, जो हम सुन के बड़े होते हैं और हमें जेन्युइनली लगता है कि ये सब फैक्ट्स हैं कि बूस का साइज अगर बूस प्रेस करो तो बड़ा हो जाता है, ये हम लोग सारे लड़के बिलीव करते हैं एट 15 16 17 18, आई थिंक और भी आगे तक। नहायत ही बेवकूफ़ वाली बात जिसका कोई कनेक्शन नहीं है रियलिटी से, बट हमें लगता है क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं और हम यही बातें करते रहते हैं दूसरे से, और हम बहुत ही कन्विक्शन में बताते हैं, कई केसेस में तो हमको बड़े लड़के ही बताते हैं सारी चीज़ें, कोई बड़ा लौंडा हमें बैठ के समझा रहा है। तो एनीवे, हमारी सेक्सुअल एजुकेशन मेरा कुल मिला के पॉइंट ये है कि एक्चुअल में बहुत ही फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड स्टूपिड होती है, तो हमारा रियल जो थॉट्स हैं कभी वो एड्रेस ही नहीं होते, तो हमारी रियल फैंटेसी हम कभी डिस्कस नहीं करते कि यार मेरे को ये फैंटेसी आती है फिर मैं इसमें टर्न ऑन होता हूँ, वो हमारी लाइफ में हमेशा सीक्रेट रहता है, तो हम उन सारी चीज़ों को रिप्रेस करते जाते हैं। ये शो ने क्या किया, तुम्हारी जो रिप्रेस्ड जितनी भी फैंटेसीज और थॉट्स और जितनी भी तुम्हारी जो सेक्स के बारे में क्वेश्चंस क्यूरियोसिटीज और जितनी भी हाइप क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ रिप्रेशन, उसको एड्रेस कर डाला थ्रू रिलेटेबल पॉर्न। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको कैरेक्टर्स वैसे दे रहे हैं जो कि आपके अराउंड होंगे, मेड हो गई, भाभी टाइप कैरेक्टर हो गए, जैसे कि तुम्हारे मिड 30s में वेमेन, ठीक है। मैंने एक्चुअल में कोई शो देखा नहीं, मैंने सिर्फ इसका ही ट्रेलर देखा था क्या नाम है गंदी बात का, उससे मैं दो कैरेक्टर मैं बता सकता हूँ, बाकी मुझे शोज नहीं पता, बट मैं लिख के दे रहा हूँ फॉर्मूला हमेशा यही होगा, कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि आप जिसे कहोगे ऐसे सिटी गर्ल हो गई या यू नो मतलब समझ लो ना मॉडर्न या फिर कंप्लीटली ट्रेडिशनल सेटिंग या फिर ट्रेडिशनल सेटिंग के अंदर ही फिर यू नो शादी, आप उन चीज़ों को थोड़ा सा करप्ट करते हो जो कि अगेन
वो चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में बड़े हुए हो देखते हुए हमेशा से, और आप उन कॉन्सेप्ट्स को करप्ट करो, टीचर हो गया जैसे, समझ गए, आपकी काउंसलर हो गई, जो भी शादी में आपके घर में रिश्तों में कुछ सोच रहे हो, एकदम टिपिकल एज ओल्ड स्टोरीज, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एक रिलेटेबल कॉन्टेक्स्ट में आपने उनको रख दिया, और उनको वो आपने चेहरा दिया जिसमें आप अपनी रियलिटी देख सकते हो, यानी कि लोग हेजिटेट कर रहे हैं, लोग ये बातें बोलने से उनको शायद शर्म आ रही है, आई एम प्रीटी श्योर स्टोरीज उसी अराउंड होगी, बहुत ज़्यादा रिप्रेशन होगा कैरेक्टर्स के अंदर, क्योंकि आप उस रिप्रेशन से अपने रिप्रेशन को आप रिग्रेट वो सॉरी रिलेट कर पाओगे। तो आप ये चीज़ देखो कि एक सोसाइटी, मैं आप यही बताना चाहता हूँ, जो कि अगर हम कितने लेवल पे रिप्रेस मार रहे हैं कोई चीज़ को, तो उसका हम उसका रिजल्ट कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। आई थिंक मेरा कहने का मतलब यही है, आई थिंक इंडिया को बहुत टाइम लगेगा कि हम ये चीज़ समझें। मेरे को लगता है हमारा एंशंट इंडिया जो था वो सेक्स को इतना उसने कभी भाव दिया, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर आप एंशंट टेक्स्ट पढ़ो या फिर एंशंट अगर आप यू नो हमारा आर्किटेक्चर ये सब कुछ चीज़ों में अगर जाओ तो आपको देखेगा हम कोई इतना इस चीज़ को भाव दे ही नहीं रहते, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में बात मत करो, चुप हो जाओ, उसको दबा दो, वो कर दो, ये कर दो। बट आज का इंडिया बहुत डिफरेंट है, हम काइंड ऑफ बहुत पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ चीज़ों को एक एनलाइटेंड फैशन में देखने के लिए, एक ग्रोन अप मच्योर फैशन में देखने के लिए, हम रियलाइज़ करें इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है जितना हम बना चुके हैं, और इन चीज़ों के बनाने की वजह से जो इसके इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं उनको हम रियल लाइफ में बेयर कर रहे हैं एज पर्सनैलिटी यू नो इनसिक्योरिटीज या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। क्योंकि कितने लोग हैं जो कि सेक्स को इतना बड़ा रख के अपनी ज़िंदगी में बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से रिलेशनशिप्स में घुस जाते हैं, या रिलेशनशिप्स में घुसने के लिए कुछ भी करने वाले हैं, या फिर डेस्परेशन को लेके कुछ भी करने वाले हैं, या फिर मैं देखता हूँ बहुत बड़ी एक इंडियन पॉपुलेशन है मर्दों की जो कि अपने आप को बिल्कुल इमैस्कुलेट करके बैठी हुई है, वो अपने आप को लड़कियों को पता नहीं क्या देवियाँ मांग के बैठे और कह रहे हैं हम कुछ नहीं है, अपनी सेल्फ एस्टीम को दबा देना चाहते हैं क्योंकि वो सर्व करना चाह रहे हैं लड़कियों को। ये कहाँ से आ रहा है? ये बहुत ही डिप्रिवेशन से आ रहा है, एक उनके अपने दिमाग में उन्होंने कंफर्म कर लिया कि मैं कम हूं और ये ज्यादा है, वो कहां से आ रहा है? क्योंकि एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन में लड़कों को सेक्स मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमने सेक्स को इतनी बड़ी चीज बना रखा है, और हम सोच रहे जो हमें देगी वो इतनी बड़ी चीज होगी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं और उसको किसी भी तरह से सर्व करने को तैयार हूं। तो आप इसके इंप्लीकेशन देखो, और आप ऐसी पॉर्न देखते हो और ये रिलेटेबल पॉर्न देख रहे हो, तो आप क्या करो, अपने जो फक्ड अप आइडियाज थे आप उनको और एक्चुअल में खाना दे रहे हो। जो सिंपल हेल्थी वे है अपने आप को सेक्सुअली एक्सप्रेस करने की, एड्रेस करने की और जीने की भी, बिकॉज इट्स अ रियलिटी, सेक्स इज अ फकिंग रियलिटी ऑफ लाइफ, आई एम नॉट सेइंग इट इज द ओनली रियलिटी, बट अगर आप अपने आप को कंप्लीटली डिप्राइव कर रहे हो, रिप्रेस कर रहे हो, तो इट विल बिकम, बिकॉज वो इतना ज़्यादा आप अंदर दबा के बैठे होगे कि फिर वही चीज़ होगी जो आपको आपके एक्शंस में कहीं ना कहीं घुस जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा, आप एक्चुअली हर टाइम पे सेक्स सेक्स या लस्टफुली ही सोच रहे होगे, या फिर अगर कोई चीज़ जिसमें सेक्स है भी नहीं आप उसमें भी सेक्स देखने लग जाओगे, कुछ लस्टफुली देखने लग जाओगे, कि इंसान जो कि कंप्लीटली फाइनली ड्रेस्ड है, कुछ भी उसमें गंदा नहीं है, लेकिन आप उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ निकालोगे, क्योंकि आप इतना रिप्रेस करके इन चीज़ें, वहीं पर दूसरे कल्चर्स हैं जो कि कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं, ड्रेस करते हैं, वो जैसे कपड़े पहने जाए वैसे घूम रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो देख भी नहीं रहे, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब एड्रेस करे हुए हैं, वो सोसाइटी ऐसा सोसाइटी उसने उस चीज़ को इतना वो ही नहीं दिया, भाव नहीं दिया, पता नहीं कि वर्ड आ रहा है भैंचो मेरे पास उर्दू दिमाग में, बार बार उस चक्कर में फंसा रहा हूँ, तकल्लुफ नहीं दी या समथिंग समथिंग, अगर कुछ आपको इसके अराउंड कोई वर्ड है तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में लिख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, ऐसी सोशल कॉमेंट्री है, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं तो मैं शेयर करना सोचता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, आपको हो सकता है मज़ा आया हो सकता है आपको बोर हो उसमें, अगर आप चाहते हो कोई आपके पास टॉपिक है नीचे लिखो कमेंट्स में, आपके क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट्स में नीचे लिखो, और मेहनत करते रहो दोस्त, काम करते रहो।